करण जी, सबसे पहले तो भगवान श्री राम की रामलीला का संदेश आपके चैनल से जो आप समाज में प्रसारित कर रहे हो, मैं उसके लिए आपका आभार और साधुवाद आपको देता हूँ। सैनी राम नाटक क्लब पिछले 39 साल से, इस बार हमारा 39वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान श्री राम की लीला का मंचन जो है 15 अक्टूबर से शुरू होगा और 24 अक्टूबर को बड़ी धूमधाम से हम दशहरे का पर्व मनाएंगे, रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। और इस बार की जो रामलीला है वो वास्तव में ही बहुत अच्छी रामलीला करने का हमारा प्रयास है, क्योंकि आज डिजिटल युग है तो डिजिटलाइजेशन हम रामलीला में प्रयोग करेंगे। जो हमारी स्क्रीन होगी, जो दृश्य होंगे वातावरण के, मान लीजिए कोई जंगल का सीन है, महल का सीन है या कैलाश पर्वत का सीन है, वो आपको सब लाइव दिखेंगे। आपको ये लगेगा कि जैसे कि मैं कैलाश के आसपास ही हूँ, मैं हिमालय पर्वत के आसपास ही हूँ, मैं अयोध्या नगरी में ही हूँ, मैं गंगा नदी पर ही हूँ। इस तरह से आप अपने आप को उस सीन के साथ सामंजस्य आप बिठा लोगे। बहुत बार रामलीलाओं के मंचन पर बड़े बड़े सवाल उठाए जाते हैं, आपके सामने भी इस प्रकार की जो बातें हैं वो आती होंगी, उसको लेके क्या कहेंगे? कुछ दिन पहले बजरंग दल ने एक ज्ञापन भी सौंपा है, क्या कहेंगे उसको लेके? देखिए, बजरंग दल भगवान श्री राम के वाहक हैं, क्योंकि श्री राम की जो सेना थी वो बजरंगी सेना ही थी, और हम सारे के सारे सनातनी परंपरा के अनुसार रामलीला करते हैं। हमारे मंच पर कभी भी फोड़ता हम नहीं परोसते, हम तो केवल भगवान श्री राम की जो संदेश है, उनकी जो मर्यादा उन्होंने स्थापित उस युग में की, उस मर्यादाओं को हम किसी न किसी रूप में उसको स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे मंच के माध्यम से ऐसा कोई दृश्य हम मंचन नहीं करेंगे जिससे किसी की भावना आहत हो। इस प्रकार का मंचन करके स्टेज लगा के नाम दिया जाता है रामलीलाओं का, लेकिन क्रूरता भरे गाने चलते हैं, डांस चलते हैं, ऊपर बहुत सी प्रकार की ऐसी जो कलाएं हैं वो दिखाई जाती हैं, उसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो स्वयं उसका विरोधी हूँ। राम, श्री राम के नाम पर मंचन करके अगर हम वहाँ पर कोई फोड़ता परोसते हैं वो बिल्कुल गलत है, और उसका हम सभी सनातनियों को उसका विरोध करना चाहिए। रामलीला का अर्थ यही है कि राम की लीलाओं का मंचन करना, राम की लीलाओं को दिखाना, राम भगवान श्री राम के आदर्शों को दिखाना। तो सैनी राम नाटक क्लब के मंच पर हम यही कार्य करेंगे। हाँ जी सर, क्या कहेंगे जो रामलीला का आयोजन किया जा रहा है आपकी तरफ से, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखो, हमारी सैनी श्री राम नाटक क्लब जो पिछले 38 सालों से टोहाना में रामलीला का मंचन करके सनातन धरोहर को बचाए हुए है, तो इस साल भी हमारे बलदेव जी के नेतृत्व में हमारी एक नई टीम गठित हुई है, जिसमें हम नयापन लेके आएंगे डिजिटल तरीके से। आज इस प्रकार परिवर्तित हो रहा है संसार, और हमारी जो पीढ़ी है, जो जिसको हमें बताना पड़ रहा है किताबों के माध्यम से कि राम की माता जी कौन थी, लक्ष्मण कौन थे, दशरथ कौन थे, लेकिन हमारे समय में हमें ये प्रैक्टिकल चीज़ें पता थी। क्यों? क्योंकि हम अपनी धरोहर से जुड़े हुए थे, और रामलीला के मंचन के माध्यम से हमें ये सारी प्रैक्टिकल बातें पता होती थी। तो हमारी जो आज की पीढ़ी है उसको हमारी सनातन संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए मंचन का होना बहुत ज़रूरी है, तो समय के साथ साथ परिवर्तन भी अनिवार्य है। तो डिजिटल तरीके से इस बार का मंचन हमारी टीम के माध्यम से होने जा रहा है, जो कि एक भव्य तरीके से रामलीला मंचन में सहायक सिद्ध होगा। सर, इन बातों को न दिखाकर पैसा कमाने के लिए और लोगों को आकर्षित करने के लिए फूर्ता भरे गाने वहाँ पर चलाए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो जी, ये बिल्कुल अभद्रता का परिचायक है। रामलीला का मतलब ही क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में बताना, और भाई भाई का प्यार कैसा था, एक आज्ञाकारी पुत्र कैसा था, एक माता का अपने पिता पुत्र का जो विरह था, दायित्व था जो बनता था, जो रामलीला के पात्रों के माध्यम से हमें जो संदेश देना चाहते हैं उसी का हम उसके माध्यम से मंचन करेंगे। और ऐसी कोई भी अश्लीलता भरी चीज़ें हमारे मंच पे ना तो आज तक कभी हुई हैं और ना ही आगे होने दी जाएंगी।